भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो वर्तमान में महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जो खुली आंखों से महाराष्ट्र की जनता ने देखा, जिन्होंने महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में वोट दिए, उस चुनी हुई सरकार को किस तरह से तोड़फोड़ कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बिठाई, शिवसेना को तोड़कर, ये बहुत ही असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित था, 5 जजों के सामने में, उसका निर्णय आने के पहले ही आनन फानन में चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया वो असंवैधानिक है। क्योंकि जब भी कोई मामला न्यायालय में लंबित होता है तो किसी कार्यपालिका को ये अधिकार नहीं कि वो कोई अपना निर्णय सुनाए। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया, यह निर्णय केंद्र सरकार की दवा में आकर दिया ताकि महाराष्ट्र में अराजकता फैलाई जाए और भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर ये जो गुजरात से आए हुए जो दो लोग हैं, मोदी और शाह, ये पहले से ही चाहते हैं मुंबई गुजरात में मिलाई जाए। तो ये मुंबई को बर्बाद करने का षड्यंत्र है जिसके तहत शिवसेना को तोड़ा गया। हम कोई शिवसेना के समर्थक नहीं है, ना ही हम किसी पार्टी के समर्थक है। समर्थक है हम भारतीय संविधान के, लोकतंत्र के, न्यायपालिका के। अगर भारत में संविधान होते हुए अगर सरकारें संविधान के आधार पर कार्य नहीं करेंगी, विधायिका अपना काम नहीं करेंगी, उसके बाद कार्यपालिका अपना कार्य नहीं करेंगी, अगर दोनों ने अगर गलती की तो सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप करेगा। इसमें संविधान में आर्टिकल 32 में प्रावधान है। और इससे बड़ी बात, CBI, ED जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग इसके पहले हुआ है, अभी तो बहुत ज़्यादा हुआ है, हो रहा है। जब कभी किसी ने केंद्र की सरकार के खिलाफ में बोला है तो उसके ऊपर में ED और CBI के धार डाले जाते हैं। इसमें सबसे पहली जो कार्रवाई हुई थी वो पी चिदम्बरम पे हुई थी, और वो पी चिदम्बरम जो उस वक्त गृह मंत्री था और जिसने ये कानून लाया था। तो ये योगायोग है कि पी चिदम्बरम को सबसे पहले ED ने अरेस्ट किया। और हम लोग भी आने वाले समय में राष्ट्रव्यापी आंदोलन रखेंगे अगर RSS ने और उसके प्रणीत संगठनों ने भारतीय संविधान का सम्मान नहीं किया। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और निरपेक्षता, इस मूल्यों का अपमान करते रहा। तो हम लोग जिस प्रकार से गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, उसी आधार पर पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे। गांधी जी की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं का मिलन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग गांधी को हत्या करने के बावजूद उसको वध कहते हैं, और वो प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की जयंती के ऊपर में उसका पुतला बनाकर गांधी जी को गोली मारती है। ये कौन सी विचारधारा है जिस गांधी जी ने इस देश के आंदोलन में अपना सब कुछ दिया और बाबा साहब ने संविधान दिया। तो हम लोग गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को मिलाकर, और हमारा ये मानना है यहाँ पर कोई विचारधारा नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही विचारधारा है, वो है संविधानवाद और संविधानवाद।